जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कैरियर आफ्टर बीए, यानी कि बीए के बाद हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए जिससे हमारी जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब लगे, प्राइवेट सेक्टर के ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस हो, अच्छा खासा हमारा सैलरी पैकेज रहे। तो साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आज के टाइम में कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए। तो एक एक कोर्स आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा, किस कोर्स को करने के क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं, कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये साथियों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपको बीए के बाद क्या करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूँ। तो साथियों, बात करते हैं सबसे पहले जो नॉर्मली जो कोर्सेज हैं, पहले उनकी बात करेंगे और उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहला आता है कि बीए के बाद हमें क्या करना चाहिए, एमए करना चाहिए। आपको सभी को पता होगा कि बीए कितने साल का होता है, भाई 3 ईयर का आपका बीए होता है। अभी तक अब जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसके अकॉर्डिंग 4 ईयर का होगा, लेकिन अभी तक आपका 3 ईयर का होता है। इसके बाद में आपका ये ग्रेजुएशन का कोर्स है, और इसके बाद आपका एमए जो है वो क्या है, आपका पीजी कोर्स है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, जो कि कितने साल का है आपका, 2 ईयर का है। अब जब आप बीए के बाद एमए अपना करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं, चाहे वो आपका इंग्लिश से, हिंदी से, फिजिक्स आपका, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, जिससे भी आपको एमए करना है, जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, जिस भी सब्जेक्ट का आपको टीचर बनना है, उस सब्जेक्ट से आप अपना एमए कर सकते हैं। अब एमए करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसकी बात करते हैं। तो साथियों, यदि आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है, आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं या आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, अपना एमए कंप्लीट करना चाहिए बीए के बाद, जिस भी सब्जेक्ट का आपको टीचर बनना है उस सब्जेक्ट के साथ में। जैसे ही आपका एमए कंप्लीट हो या एमए के आप फाइनल ईयर में हो, तो आप अपना यूजीसी नेट का एग्जाम फॉर्म फिल करिए, और यदि आप यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, उसमें अपना अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो फिर आपको मिल जाता है जीआरएफ, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, आपको पीएचडी करने के लिए पैसे भी मिलते हैं। अब यदि आप नेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं लेकिन जीआरएफ नहीं मिलता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप नेट का एग्जाम क्लियर आपने कर लिया, तो आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, एज अ लेक्चरर आप काम कर सकते हैं, यानी कि आप क्या बन जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, यदि आप यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। तीसरा एडवांटेज, यदि आप एमए अपना कंप्लीट करते हैं, तो जितनी भी पीजीटी की वैकेंसी आती है उसमें जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि आप, यदि आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको बीए के बाद एमए करना चाहिए। क्लियर है आपको? अब किनको नहीं करना चाहिए एमए? तो साथियों, यदि आपका प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंडस्ट्री में आपको जाना है, बैंकिंग की तरफ जाना है, इस इंडस्ट्री में जाना है, या आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, अपना बिजनेस करना है, तो फिर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एमए ना करें। फिर कौन सा कोर्स करें वो भी हम आगे बताएंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं आपको दूसरा कोर्स कौन सा है। साथियों, यदि आपको बनना है 5th लेवल या 10th लेवल तक का टीचर बनना है, तो उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए, बीए के बाद आप क्या करें, बीएड करें या फिर डीएलएड करें। दोनों में, बीएड या डीएलएड में क्या अंतर है, कौन सा कोर्स बेस्ट है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो जाकर देख सकते हैं, यदि दोनों में आपको देखना है। तो यदि आपको 10th लेवल तक का टीचर बनना है, 12th लेवल तक का टीचर बनना है, तो आप क्या कर सकते हैं, बीए के बाद में बीएड कर सकते हैं। बीएड भी आपका 2 ईयर का कोर्स है। यहाँ पर जो नुकसान है वो आपको ये रहेगा कि जैसे ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद भी यदि आप बीएड भी कर लेते हैं, तो भी आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं कहलाएंगे, तो भी आप ग्रेजुएट ही कहलाएंगे, क्योंकि आपकी डिग्री कैसी है, आपकी ग्रेजुएट ही डिग्री है। तो आप इसके बाद में अगर पीएचडी करने जाते हैं, तो पीएचडी आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एमएड करना पड़ेगा पहले, उसके बाद आप फिर पीएचडी करेंगे। तो एक यहां पर आपका डिसएडवांटेज ये है बीएड का। तो यदि आप एजुकेशन की लाइन में, एजुकेशन कंसल्टेंट है, आप एजुकेशन की फील्ड में वर्क कर रहे हैं, टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, तो फिर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको बीएड करना चाहिए। आपको टीचिंग लाइन में जाना है, यानी कि स्कूलिंग में आपको जाना है, तो फिर आपको बीएड करना आपके लिए सही रहेगा। इससे आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट कोर्स है आपका एलएलबी, यानी कि आज की डेट में यदि आप एक अच्छी पोजीशन पे जाना चाहते हैं, यानी कि पीसीएसजे का एग्जाम देना चाहते हैं, आप जज बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट लॉयर बनना चाहते हैं, या आप एज अ लीगली अपना जो कंपनी के एडवाइजर, लीगल एडवाइजर बनना चाहते हैं, तो सभी जगह आज की डेट में नीड है। तो एलएलबी आज की डेट में बहुत बेस्ट कोर्स है। तो बीए के बाद में आप एलएलबी कर सकते हैं, तो एलएलबी में भी काफी अच्छा खासा स्कोप है। तो यदि आपको बोलना अच्छा लगता है, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है आपकी, और लीगली आप जो चीजों में स्ट्रांग है, तो आप लॉ कर सकते हैं। इससे आगे नेक्स्ट कोर्स है, नेक्स्ट मैंने रखा है, यदि आपको प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना है,
यानी कि प्राइवेट कंपनीज में आपको मैनेजर बनना है, आपको बहुत अच्छा लगता है एज अ लीडरशिप काम करना, बोलना बहुत अच्छा लगता है, एज अ टीम लीडर आपको काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो फिर मैं आपको एडवाइस करूंगा फिर आप क्या करें, MBA या फिर PGDM। ऐसा नहीं है बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या बीए के बाद हम एमबीए कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीए के बाद आप एमबीए भी कर सकते हैं और पीजीडीएम भी कर सकते हैं, दोनों ही कोर्स आप कर सकते हैं। तो यदि आपको प्राइवेट इंडस्ट्री में आपको जाना है, सैलरी पैकेज बहुत अच्छा रहता है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हम बात करें तो बैंकिंग के जो मैनेजर होते हैं, बैंक मैनेजर के लिए वैकेंसीज वगैरह निकलती है, तो वहां पर भी आपका एमबीए मांगा जाता है, एमबीए मस्ट है। तो यदि आपको एज अ मैनेजर प्राइवेट कंपनीज में इस तरफ आपको जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं। तो साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। नेक्स्ट कोर्स की हम बात करें तो नेक्स्ट कोर्स मैंने रखा है साथियों सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज, यानी कि आज की डेट में आप जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, यानी कि चाहे हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, यानी कि आपको डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाना है, या आपका आर्ट में इंटरेस्ट है तो आप फाइन आर्ट की तरफ जा सकते हैं, आपका योगा की तरफ इंटरेस्ट है तो योगा की तरफ जा सकते हैं, यानी कि आप जिस भी फील्ड में आप हैं उसमें आपके सभी में डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज बना दिए गए हैं, तो वो आप डिप्लोमा या डिग्री कोर्सेज कर सकते हैं। यदि आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप कंप्यूटर का कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, डिग्री कोर्स कर सकते हैं बीए के बाद में, तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं। जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है मैं आपको एडवाइस करूंगा कि उस फील्ड का आप डिप्लोमा कोर्स करिए, पीजी डिप्लोमा कोर्स करिए और उसकी तरफ फिर आगे अपना करियर बनाइए। सबसे बेस्ट वही रहता है कि जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसमें आप अपना डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कर सकते हैं। तो पीजी डिप्लोमा भी है सभी में और आपके सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स भी है, तो आप वो कर सकते हैं। इससे आगे नेक्स्ट है, यदि आपको फिजिकल आप एज अ योगा टीचर हैं या आपको फिजिकल का टीचर बनना है, स्कूल्स में जो पीटीआई होते हैं उनका टीचर बनना है, तो फिर आप बीए के बाद क्या कर सकते हैं, बीपीएड कर सकते हैं। जैसे बीएड होता है इसी तरीके से बीपीएड होता है, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, ये भी आपका 2 ईयर का होता है, जैसे बीएड होता है इसी तरीके से सेम आपका क्या होता है, ये बीपीएड होता है। बीपीएड में जो वैकेंसी है वो कम आती है लेकिन कॉम्पिटिशन भी बहुत कम है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप बीपीएड भी कर सकते हैं यदि आपका फिजिकल में इंटरेस्ट है। इससे आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट कोर्स कौन सा है, MJMC यानी कि मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। आज की डेट में बहुत ही पॉपुलर कोर्स है, बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं क्योंकि आज की डेट में सब सारी चीजें सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है, तो आप मास कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट कोर्स है। यदि आपको बोलना अच्छा लगता है, कैमरा एंकरिंग बहुत सारी चीजें इसमें अलग अलग कैटेगरी में आपका कराया जाता है, तो यदि आपका इस तरफ इंटरेस्ट है तो ये भी आप कोर्स कर सकते हैं, एक बेस्ट कोर्स है। इससे आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि आप अपना जैसे बीए कंप्लीट हो या बीए कर रहे हो तो आप किसकी तरफ जा सकते हैं भाई, गवर्नमेंट जॉब या यूपीएससी की, यानी कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में आप लग जाइए और यूपीएससी की तैयारी में आप लग जाइए, और साथ के साथ मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपना डिस्टेंस से या प्राइवेट तरीके से अपना एमए जरूर अप्लाई करें, तो उसके साथ साथ आप अपनी गवर्नमेंट की तैयारी करिए और अच्छे से और मेहनत के लगन के साथ में आप अपनी तैयारी करेंगे तो मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप अपना गवर्नमेंट का एग्जाम 1 साल या 2 साल के अंदर जरूर क्रैक करेंगे, जिसमें भी आप लग जाएंगे पूरी मेहनत और लगन के साथ में। तो साथियों आपको मैंने ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज जो बीए के बाद में आज की डेट में पॉपुलर कोर्स हैं क्या किसका एडवांटेज है वो आपको डीपली एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको सब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप उस पर वीडियो या उसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।